અમદાવાદમાં ફરી એકવાર નશાના કારોબારનો પડદાફાશ થયો છે। ક્રાઇમ બ્રાન્ચે વસ્ત્રાપુર નજીક અંધજન મંડળ પાસેથી લાખો રૂપિયાની કિંમતના ડ્રગ્સના જથ્થા સાથે બે ભાઈઓ દાહેલાલ અને મોહનલાલ પાટીદારની ધરપકડ કરી છે। આરોપીઓ ચાની કેટલી અને રસોઈ વ્યવસાયમાંથી બહાર નીકળી શોર્ટકટમાં પૈસા કમાવા માટે ડ્રગ્સની હેરાફેરીના રવાડે ચડ્યા હતા। આરોપીઓ પાસેથી તપાસ કરતા અમદાવાદના 42 લાખની કિંમતનું 421.16 ગ્રામ मेफेड्रोन ड्रग्स मळी आव्यो हतो। आरोपीओ घणा समयथी राजस्थानथी गैरकायदेसर एमडी ड्रग्स अमदावादमां लावी ड्रग्स पेडलरोने आ ड्रग्स वेचवानो कारोबार चलावता हता। दायलाल पाटीदार अगाउ श्यामल चार रस्ता पासेथी चानी किटली चलावतो हतो अने तेनो भाई मोहनलाल पाटीदार रसोईना काम साथे संकळायेलो हतो। दायलाल पोते अफीणनो बंधाणी होवाथी तेणे राजस्थानथी अफीण लावानो शुरू कर्यो अने धीमे धीमे नशाना कारोबारमां जोडाई गयो। अहमदाबाद के अंदर जो ड्रग्स लेते हैं उसको पकड़ने के लिए हमारे डीसीपी साहब ने एमएसी साहब और हमारे डीसीपी मानवी साहब ने सभी पीआई को सूचना दी थी। सूचना के आधार पर हमारा पीआई एसजे देसाई उनकी टीम ने कल रात को 421 ग्राम के साथ दो आरोपी को पकड़ लिया है। नंबर एक आरोपी है दयालाल देवगर पाटिल, दूसरा नाम है मोहन देवगर पाटिल। इन दोनों के पास से 421 ग्राम हमने एमडी ड्रग्स पकड़ा है। उनकी कीमत होती है 45 लाख रुपया। वो राजस्थान से लाते थे, राजस्थान में लाखन सिंह करके जो आरोपी था वो उसको ड्रग्स दे रहा था। लाखन सिंह के पीछे भी हमारी टीम लगी है। यहाँ अहमदाबाद में जो जो पेट्रोल को लोग माल दे रहे थे वो पेट्रोल के पीछे भी हमारी टीम लगी है।